शहर में महिला सुरक्षा पर सवाल उठे, ऐसा फिर एक बार मामला सामने आया जहां एक युवती के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस मामले में दो आरोपी लिप्त हो सकते हैं, जिनकी खोज में पुलिस जुटी हुई है। महिला सुरक्षा पर वैसे ही कई सवाल या निशान खड़े होते ही रहे हैं। आए दिन महिला अत्याचार या महिलाओं के बलात्कार के मामले हम सुन ही रहे। उसी बीच कलमना पुलिस थाना अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी रामदास पेट परिसर में अपनी म्यूजिक क्लास से जा रही थी। इस बीच कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पश्चात फिरियादी ने कलमना पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला और आरोपी क्या अटैक हुए हैं? अभी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है कि एक लड़की सुबह डांस क्लास म्यूजिक क्लास को जा रही थी, उस समय उसकी एबडक्शन की गई और कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, ऐसी कंप्लेंट आई है। अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रोसीजर शुरू है। अभी काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है, आगे इससे ज़्यादा अभी फिलहाल बताने के लिए मैं असमर्थ हूँ। सर प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है तो क्या ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है या दुष्कर्म का मामला है? अभी मैं बताया, लड़की की मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह चल रही है, अभी ये पूरी इसकी तहकीकात हो रही है, FIR रजिस्टर होने की प्रोसेस शुरू है। डिटेल्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एडल्ट है, लड़की की हालत अच्छी है, लड़की मेजर है, आरोपी दो से तीन हो सकते करीब। सर एक किसी को हिरासत में लिया गया क्या, वो आरोपी है या फिर? अभी कुछ भी किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है, तपास चल रहा है, बहुत ही प्राथमिक स्टेज है। अभी मैं आगे कुछ बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन जरूर हम आपको सही समय पर बताएंगे। सर काय नेमकी घटना घडलेली? एक रेपची कंप्लेंट इन्सिडेंट रिपोर्ट झालेली आहे। ती एक मुलगी रामदास पेट परिसरातून म्युझिक क्लासवरून जात असताना काही लोकांनी त्यांना किडनॅप केला आणि त्याच्यानंतर हे दुष्कर्मची इन्सिडेंट झालेली आहे, अशी कंप्लेंट आलेली आहे। आम्ही FIR रजिस्टर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि तपास सुरू आहे। रामदास पेठवरून कंप्लेंट आहे आणि ते मुलगी कलमना पोलीस स्टेशनला सुरुवातीला गेली होती, कलमना पोलीस स्टेशनला FIR रजिस्टर। कोणालाही ताब्यात सध्या घेण्यात आलेली नाही, आता तपास सुरू आहे। आता काही म्हणता येणार नाही, मी आपल्याला सांगितले मुलगीने आता प्राथमिक कंप्लेंट दिलेली आहे, त्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन वगैरे सुरू आहे, आम्ही सगळे प्रकरण तपास केल्यानंतर आपल्याला नक्कीच सांगू। सर आपने कहा की कलमना थाने में FIR दर्ज है तो फिर दर्ज हो रही है शुरू यहाँ से हुआ है, कंप्लेंट वहाँ पे आया था, कहीं पे भी रजिस्टर हो सकता है। अभी फिलहाल चूंकि लड़की वहाँ पहले गई थी इसलिए वहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे हैं। फिरियादी की स्थिति फिलहाल स्थिर है। दो आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है, वहीं आरोपियों की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।